हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका असम राइफल की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट अभी आ रही है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है ज्वाइनिंग के बारे में, जिसमें कांस्टेबल जीडी के कैंडिडेट्स भी हैं। देखिए आपको पूरा लिस्ट दिखा देते हैं। कांस्टेबल जीडी है, इसमें 2018-2021 के कैंडिडेट्स हैं। कौन से कैंडिडेट्स हैं वो आपको बताएंगे। इसके अलावा जो रैली रिक्रूटमेंट हुआ था टेक्निकल और ट्रेड्समैन का 2023 का, उसके कैंडिडेट्स हैं। तो इतना डिले क्यों हुआ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे वीडियो में। आप बने रहिए। देखिए आपके जो 2022 वाले कैंडिडेट्स हैं उनके भी काफ़ी डाउट इसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन प्रोविजनली सेलेक्टेड थ्रू कंबाइंड रिक्रूटमेंट रैली ऑफ कांस्टेबल जीडी इन CAPF, SSF, NIA एंड राइफलमैन जनरल ड्यूटी इन आसाम राइफल्स एग्जामिनेशन 2018 और 2021 की भर्ती के कैंडिडेट्स उसमें शामिल हैं। इसके अलावा असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट हुआ था 2023 का, उसका अपॉइंटमेंट है। इनको रोजगार मेले में शामिल किया है इन कैंडिडेट्स को, और इनकी डेट ऑफ रिपोर्टिंग फॉर बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो 2 सितंबर 2023 को दे दी गई है। कहाँ दिया है, सेंटर है, नेम ऑफ कैंडिडेट है, रोल नंबर है। तो इसमें देखिए आपको बता देता हूँ कि जो रोल नंबर, देखिए जिस तरीके से ये रोल नंबर है 920, ये कैंडिडेट्स SSC GD वाले हैं। ये आप देख रहे हैं मेल फीमेल सभी का है। सुखोवी ट्रेनिंग सेंटर इनका दिया है, और इसमें 300 वाला जो रोल नंबर है वो उत्तर प्रदेश कैंडिडेट है निश्चित रूप से 2018-2021 के। और आप में से कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका नाम इस लिस्ट में है और आप वीडियो देख रहे हैं हमारा, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका किस वजह से ये रुका हुआ था। क्या विथहेल्ड में थे, सस्पेक्ट में थे, या कोई ऐसे कैंडिडेट्स भी इसमें शामिल हैं जिनके ऊपर कोई कोर्ट केस लंबित था और उसकी वजह से उनकी ज्वाइनिंग उस समय नहीं हो पाई थी। और कोर्ट केस देखिए लंबित है तो आपको उसकी जानकारी आपको एटेस्टेशन फॉर्म में आपको देनी होगी। यदि आप जानकारी नहीं देते हैं तो ज्वाइनिंग के समय तथ्यों को छुपाने का जो चार्ज है उसमें डिसमिसल फ्रॉम सर्विस ही होता है, और कोई उसमें दूसरी सजा ही नहीं है। अब केस का मतलब है कि यदि आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है तो उस FIR से रिलेटेड सारा कुछ, चाहे आप उसमें पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें आपका नाम हटा दिया गया है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें कैंडिडेट्स बचे हुए थे 2018 के भी बचे हुए थे, 21 के भी बचे हुए थे, और जो टेक्निकल ट्रेड्समैन वाला है वो कैंडिडेट्स भी हैं। टोटल कितना कैंडिडेट्स है वो दिखा देते हैं। अब ये देखिए, ये जो है ये SSC GD का रोल नंबर है, ये 240, ये 240 नॉर्थ जोन का रोल नंबर है, ये 720 से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है 530, तो SSC GD के काफ़ी कैंडिडेट्स हैं इसमें। टोटल कितना कैंडिडेट्स है वो देख लेते हैं। और डिले क्यों हुआ है, तो डिले का मतलब रीज़न एक ही है। ये देखिए, ये जो रोल नंबर है 6 डिजिट वाला, ये रोल नंबर एक्चुअली टेक्निकल ट्रेड्समैन भर्ती रैली जो हुआ था उसका है। ये टेक्निकल ट्रेड्समैन रैली भर्ती का, इसमें हमारे कैंडिडेट्स भी हैं कुछ, उन्होंने ये प्रोवाइड करवाया था जो प्री मेडिकल स्टूडेंट के लिए, प्री मेडिकल स्टूडेंट हमारे पास आते हैं चेकअप के लिए। तो ये क्यों डिले हुआ, डिले का देखिए, अब ये कैंडिडेट हमारे राजस्थान के हैं ये निश्चित रूप से, या वेस्टर्न यूपी के कैंडिडेट हैं, ये बिहार नाम से लग रहा है। टेक्निकल ट्रेड्समैन, तो सुखोवी ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग बटालियन है वहाँ पर, ARTC NS असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल सुखोवी नागालैंड ट्रेनिंग आ गई है। तो कहते हैं कि मंजिल पर पहुंचने का सुकून रास्ते की तकलीफ़ों को भुला देता है। इसमें 2018 वाले जो कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, और इंतज़ार की वजह एक ही है कि कोर्ट केस वाले कैंडिडेट थे, कुछ ऐसे कोर्ट केस वाले थे जिन्होंने मेडिकल से रिलेटेड या कोई उनका दूसरा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इशू था, डिस्ट्रिक्ट गलत था, उन्होंने कोर्ट केस किया था और कोर्ट केस उनके पक्ष में आ गया, उसके बाद उनका मेडिकल हुआ, उसके बाद उनको ज्वाइनिंग मिली। कुछ वो कैंडिडेट हैं नॉर्थ ईस्ट वाले जिनका हाइट का मैटर था कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को हाइट में रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था, जबकि पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए हाइट जो है वो एक स्टैंडर्ड है। वो सॉर्ट आउट हो गया था 2018 में, बहुत बड़ा इशू बना था वो,
तो ये जो कैंडिडेट जानना चाह रहे थे कि क्या ये वेटिंग लिस्ट से संबंधित है? नहीं, ये कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है, ये कैंडिडेट्स वो हैं जो या तो सस्पेक्ट विथहेल्ड में थे या कोर्ट केस से रिलेटेड थे या जिनके ऊपर कोई मुकदमा लंबित था वो लोग हैं। तो बहुत बड़ी अपडेट असम राइफल की तरफ से। टोटल कितना कैंडिडेट्स है? टोटल देखिए काफ़ी कैंडिडेट्स हैं इसमें, लगभग एक ट्रेनिंग कंपनी से भी ज़्यादा का स्ट्रेंथ है, 173 कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पर ये लिखा है, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर हैज़ बीन डिस्पैच थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट एंड द सेम आर बीन सेंड थ्रू ईमेल ऑल्सो टू हैव मैंशनड प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। इन केस नॉन रिसिप्ट ऑफ द सेड अपॉइंटमेंट लेटर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ऑल अबव प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर हियर बाई डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल सुखोवी एज मैंशनड अगेंस्ट ईच कैंडिडेट ऑन 2 सितंबर। अब ऑन 2 सितंबर का मतलब है कि आप आज नहीं जा सकते। ऑन सेकेंड, ऑन और बिफोर यदि होता है तो आप आज भी जा सकते हैं। ऑन अब 2 का है तो आप देखिए 1 को चले जाते हैं, आप 31 अगस्त को भी चले जाते हैं तो भी आपको एंट्री मिल जाती है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो, तो एक तो देखिए मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी तरह आपके दोस्त जो कोई किसी वजह से रुक गया था ज्वाइनिंग उन तक ये बात पहुंच सके, क्योंकि 2018 वाले कैंडिडेट्स विशेष रूप से बहुत परेशान हैं अभी जो बचे हुए हैं। इसमें इनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? एजुकेशन, एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो भी सर्टिफिकेट है वो भी ओरिजिनल लेकर जाना है। डोमिसाइल पीआरसी, टीआरसी सर्टिफिकेट जो है वो नहीं चलेगा, जैसे कुछ स्टेट में टीआरसी भी दिया जाता है। लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट, इशूइंग डेट नॉट मोर देन 6 मंथ्स, इशूड बाई पुलिस स्टेशन। तो पुलिस का करेक्टर सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगेगा। टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो ट्रेड्समैन वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए है, और 10 कॉपीज ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, तो 10 की जगह आप 20 लेकर जाएँ क्योंकि बाद में और भी काम आएगा तो चलेगा। 3 कॉपीज ऑफ जॉइंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विथ एनओके नेक्स्ट ऑफ किन, प्रेफरेबली मदर, जिन जो मैरिड हैं वो उनका वाइफ या हस्बैंड जो है वो एनओके होता है, और जो अनमैरिड हैं उनको अपनी मदर के साथ, और मदर यदि जिंदा नहीं है तो अपने फादर के साथ, या जो भी आपके एनओके नेक्स्ट ऑफ किन यानी कि आपके नॉमिनी जो बनेंगे। इज प्रूफ सर्टिफिकेट ऑफ, अब यहाँ पर देखिए जो आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या किसी प्रकार का कोई मदर फादर ब्रदर एंड सिस्टर जो भी डिपेंडेंट हैं, फैमिली कार्ड बनता है आप लोगों का, उसका कोई सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग के टाइम पर चाहिए क्या? तो देखिए एज प्रूफ सर्टिफिकेट ऑफ मदर फादर ब्रदर सिस्टर, अब वो यदि पढ़े लिखे हैं तो उनका 10th का मार्कशीट आप लेकर जा सकते हैं। आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है, पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो प्रूफ, और प्रेफरेबली यहाँ पर आधार कार्ड आप लेकर जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ शुड मैच विथ मैट्रिक सर्टिफिकेट, ये भी ध्यान रखना है, और एक सेविंग बैंक अकाउंट। अब इसमें एसबीआई का कोई बाध्यता नहीं है असम राइफल में, सेविंग बैंक अकाउंट इन शेड्यूल्ड बैंक विथ कोर बैंकिंग फैसिलिटी, तो सीबीसी तो सभी में होता है जो भी कमर्शियलाइज बैंक हैं। कैंडिडेट शुड बी पोजिशन ऑफ एटीएम कार्ड एंड बैंक पासबुक ऑन अराइवल एट असम राइफल टी ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल। द कैंडिडेट्स शुड ऑल्सो नोट दैट बैंक कोड ऑफ द ब्रांच, इट्स नेम एंड द स्टेट इन विच इज लोकेटेड। दूसरी बात यहाँ पर कहा गया है कि जनधन अकाउंट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तो हमारे एसएससी जीडी 2022 वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी ये डॉक्यूमेंट चाहेंगे। कुछ फोर्सेज जो है वो एसबीआई का अकाउंट मान्य करती हैं और शेड्यूल बैंक में मान्य कर रही है, ये पहली बार हमने देखा है कि एसबीआई को छोड़ के दूसरे बैंक के भी अलाउ कर रहे हैं। तो ऐसा जनधन वाला जो खाता है आपका उसको बंद करवा दीजिए और उसकी जगह नया अकाउंट खुलवा लीजिए। ऑल द अबव प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल सुखोवी नागालैंड ऑन ड्यू डेट एंड टाइम। ये सिग्नेचर आप देख रहे हैं और डेट 11 अगस्त को ये जारी हुआ है लिस्ट। तो लिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपके दोस्तों को जानकारी मिल सके। 2018 के कैंडिडेट्स जो हैं वो उम्मीद छोड़ चुके थे लेकिन देखिए
जो जेन्यून कैंडिडेट है उनकी ज्वाइनिंग हुई है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और जो हमारे 2021 के कैंडिडेट हैं उनकी भी ज्वाइनिंग है इसमें, 2022 वाले जो कैंडिडेट हैं उनका भी लगभग, क्योंकि ट्रेनिंग जो है वो साथ ही शुरू होगी और ट्रेनिंग के शेड्यूल आपके बन चुके हैं। तो बने रहें चैनल के साथ, और आपके कोई डाउट्स हैं, कोई प्रश्न हैं तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको यहाँ पर फिर मैं आपको देखिए शेयर कर देता हूँ। कॉल आप इस पर नहीं करना दोस्तों, कॉल आप करेंगे तो कॉल ट्रेन नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि कॉल पे बात करना सभी कैंडिडेट्स के साथ में मुनासिब नहीं है। कि कोई विशेष केस होता है तो उसमें आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा कॉलिंग प्रोसीजर। तो बने रहें चैनल के साथ, और फिर से कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लिस्ट हर एक उस कैंडिडेट तक पहुँचनी चाहिए जिनका किसी वजह से, डॉक्यूमेंट की वजह से या कोर्ट केस की वजह से, किसी भी वजह से उनका रुका हुआ था। इनमें से कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं, तो वो सेलेक्ट हो चुके हैं ठीक है, दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन BSF ट्रेड्समैन में सेलेक्ट हुए हैं, अब उनको ऑप्शन लेना है कि BSF ट्रेड्समैन ज्वाइन करें, कर रखा है ज्वाइन तो असम राइफल में GB में जाना है, तो उन तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहें चैनल के साथ। व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर किया जा रहा है, आपके कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो इस नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद।